बस स्टैंड रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के मेंबर के बुलावे पर रविवार को भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और माले नेता ताज हसन टैक्सी स्टैंड पहुंचे। इस दौरान टैक्सी स्टैंड के सदस्यों ने इनके समक्ष अपनी कई समस्याओं को रखा। बताया गया कि जब से गिरिडीह बस स्टैंड बना है तब से लेकर अब तक टैक्सी स्टैंड के नाम से यह स्थान जाना जाता है। लगभग 250 से 300 टैक्सी वाले यहां से अपना रोजगार चला रहे हैं, लेकिन स्थान पर पहले पेवर ब्लॉक बिछाया गया और अब रात में चोरी चुपके से एक नाले का निर्माण हो रहा है, जिससे साफ लगता है कि टैक्सी स्टैंड का अतिक्रमण होने वाला है। पूरी बात को समझकर श्री सिन्हा ने कहा कि बगल में बने एक हॉस्पिटल का एंट्रेंस दूसरी ओर है, इसलिए अतिक्रमण का मामला अस्पताल से जुड़ा नहीं होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी जानकारी स्थानीय विधायक और नगर निगम को देना पड़ेगा, ताकि मामले की असलियत से पर्दा उठ सके। मौके पर गोपाल राम, मोहम्मद नौशाद, मजहर खान, कलीम खान, संतोष पासवान, समीम शमशाद, शहबाज टुनटुन मिनहाज, राजा सिद्दीकी, बबलू पासवान, जाफिर मुन्ना, एजाज मिनहाज, जश्मीन आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बस स्टैंड के सामने में जो कार स्टैंड है, जिसको तत्कालीन डीसी थे के पाठक, उस समय इसको बनाया गया था टैक्सी स्टैंड, और उसमें लगभग 50-100-200 गाड़ियां यहां पे खड़ी होती है और रोजगार का एक साधन है। आसपास कहीं जगह नहीं है, यहीं पे खड़ा होता है। और इसमें क्या है कि जो बगल में हॉस्पिटल बन रहा है या बगल में जो ये बन रहा है, उस तरह से एक तरह धीरे धीरे ट्रांसफार्मर लगा के या धीरे धीरे सरकारी जो जगह था उसमें फाइबर ब्लॉक भी बिछा हुआ है, तो उस जगह को मैंने इसी पहले कैप्चर किया गया और अब नाली जो अलग जगह पे बना के, क्योंकि नाली का जगह है लेकिन नगर निगम बना रहा है कि कौन बना रहा है, भी इस पर हम लोग जाएंगे, बात करेंगे और स्टैंड को बोलेंगे कि यहाँ पे छेड़छाड़ ना करें, बल्कि यहाँ पे रोजगार प्राप्त होता है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के MLA साहब हैं, हम उनको भी बोलेंगे कि इसको संज्ञान में लेने का, क्योंकि रोजगार का मामला है और कहीं ना कहीं ये जो गिरिडीह विधानसभा के ही है, तो निश्चित तौर पर हम यही बात करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ एक उपाय बना के, एक बातचीत करके, क्योंकि अभी अतिक्रमण हुआ नहीं है, भविष्य में हो जाएगा, इसलिए अभी से सचेत होने की जरूरत है। भाकपा माले हमेशा साथ में है और साथ खड़ा है। प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल केयर में आपके दांतों के किसी भी समस्या का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। इस डेंटल इम्प्लांट सेंटर में RCT, दंत प्रत्यारोपण सर्जरी, दांत निकालना, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, मेटल ब्रेसेस, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, डेंचर्स, ब्लीचिंग, डेंटल क्राउन, फिलिंग्स वगैरह की जाती है। अगर दांतों में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो विलम्ब न करें, तुरंत मिले डॉक्टर मोहित कुमार से और समस्या से छुटकारा पाएं। पता: सावित्री डेंटल केयर, नियर HE हाई स्कूल, फोर्ट रोड,